गंदवानी थाने के सस्पेंडेड टीआई नरेश कुमार सूर्यवंशी जी के बारे में जो भी कहा जाए कम है। कल तक वायरल थे इसलिए कि पत्नी से दूर दूसरे घर में किशोरी के साथ रंगरलिया मना रहे थे। पत्नी अचानक आधम की तो चोरी छुपाने के लिए उसी से मारपीट करने लगे। पटीआई साहब की बौखलाहट से साफ जाहिर हो रहा था कि भैया भांडा फूट चुका है और अब नपना तय है। खींच तो पत्नी पर निकाल ली लेकिन इसके सिवा चारा भी क्या बचा था। लेकिन वहां मौजूद लोग इसमें भी आड़े आते रहे। मामला आगे बढ़ा तो पता चला कि जनाब जिस किशोरी के साथ घर में मौजूद थे उससे शादी भी रचा चुके हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इसके बाद जो जानकारी मिली वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। अपने गुनाह को छिपाने के लिए थानेदार साहब ने लड़की की मार्कशीट के साथ ही छेड़छाड़ कर दी। उसके बर्थ ईयर को 2006 से बदलकर 2001 कर दिया। 2006 के मुताबिक अभी लड़की सिर्फ 14 साल की है, जिसे थानेदार साहब फंसा कर ऐश कर रहे हैं। भाई कानून के रखवाले ने कानून का जमकर मजाक उड़ाया, पर भैया बीवी तो बीवी ही होती है। दल बल लेकर उस घर तक पहुंच गई जिसे टीआई ने अपनी ऐशगाह बना रखा था, और ऐसा तमाशा किया कि टीआई साहब ना घर के रहे और ना ही घाट के। मतलब घर पर जो हाल होना है वो तो होना ही है। फिलहाल लाइन अटैच भी कर दिए गए हैं। वैसे टीआई साहब का कारनामा इतने पर ही खत्म नहीं होता। सुनने में आया है कि नरेश सूर्यवंशी की एक नहीं तीन तीन पत्नियां हैं और तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।